ग्वालियर महापौर सुभाष अग्रवाल द्वारा भाजपा सरकार एवं निगम प्रशासन के खिलाफ 22 जून को ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। महापौर के पति और कांग्रेस विधायक सतीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पेयजल के पुराने ब्लॉक को माफ करने और गार्बेज शुल्क कम करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में सीवर की सफाई के दौरान जान गंवाने वाले सफाई कर्मियों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसके साथ ही सफाई कर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग है। विधायक ने आरोप लगाया कि निगम MIC द्वारा पास प्रस्तावों को रोका जा रहा है और निगम अधिकारी भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में महापौर द्वारा 22 जून को धरना दिया जाएगा। 22 तारीख को धरना दिया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य इस धरने का? देखो, ऐसा है कि जो वायदे किए थे महापौर ने जनता के बीच में और जनता की मांग थी कि पुराने पानी के बिल 2021 से पहले के बिल हैं वो माफ़ किए जाएँ और गार्बेज शुल्क आधा किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गार्बेज शुल्क ग्वालियर में लग रहा है और गार्बेज शुल्क कम किया जाए, इसको लेकर महापौर MIC द्वारा प्रस्ताव पास कर संकल्प कर दिया और संकल्प को अब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, परिषद नहीं भेज रहे हैं, पूरे मामले को यहीं लटकाए हुए हैं। जनता को लाभ नहीं हो पा रहा है, गरीब आदमियों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ और सारी 2-3 मांगे हैं, उन सब मांगों को लेकर महापौर 22 तारीख को फूलबाग पर धरना देंगी और उसमें शहर के सभी नागरिक आम जनता शामिल हो। वहीं आपने मांग भी करी है, जो कर्मचारी खत्म हुए हैं उनको, हाँ, महापौर ने मांग की है कि जो कर्मचारी खत्म हुए उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, एक एक परिवार के एक एक जन को सरकारी नौकरी दी जाए, इस तरह की मांग की गई है इन सब चीज़ों को लेकर। और जिस प्रकार से अभी देखने को आया है कि परिषद के जो MIC के जो ठहरा संकल्प हैं उन संकल्पों का पालन नहीं हो रहा है, उसमें अभी तक के जितने भी महापौर थे उन महापौरों की आदमकद प्रतिमाएँ लगाने का संकल्प हुआ था कि वो बाल भवन में लगाई जाए, वो अभी तक नहीं लगी गई है, लगाई गई है। बहुत सारी मांगें हैं उनको लेकर।